सभी साथियों को उपदेश राणा की तरफ से शुभ संध्या। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सुबह से एक मामला देख रहे होंगे मीडिया में कंटिन्यू, जफर उल इस्लामी। ऐसे लोगों का मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूं, जफर उल इस्लामी। इसने पोस्ट की है अपने फेसबुक वेरीफाइड पेज से, और जो हिंदुस्तान के बारे में इसने बोला है, हिंदुओं के बारे में जो इसने बोला है, जो कट्टर हिंदुओं के बारे में इसने बोला है, जय श्री राम रूपेश भाई, वो अपने आप में बड़ा शोचनीय विषय है। एक भाई कह रहे हैं आपके नाम की बहुत फर्जी आईडी है। भाई मैं भी परेशान हूं कभी कभी, तो मुझे ये पता नहीं चलता कि मेरा फर्जी कितनी आईडी चल रही है और मेरा रियल पेज कौन सा है, रियल आईडी कौन सी है। अगर आप टाइप करें ऊपर तो इतने सारे मिलते हैं कि मुझे अपना पेज ही अगर मैं किसी और मोबाइल से सर्च करने लग जाऊं तो उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। ये प्यार है आप सभी का, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसका कोई गलत यूज ना करे। सभी से कहना चाहूंगा कोई गलत यूज करेगा तो उन पर कार्रवाई होगी। बात कर रहे हैं हम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन की। आप सभी ने वो मामला सुना होगा और इसकी पोस्ट भी देखी होगी, सुबह से चर्चा का विषय बना हुआ है जो इसने बोला है। इसने ये कहा है कि हम अरब देशों से अगर हमने शिकायत कर दी, इसने ये कहा कि अगर हमने अरब देशों से तुम्हारी शिकायत कर दी तो सैलाब आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, इसने ऐसा कहा है। पहले तो तू मेरी बात सुन भाई, क्या नाम तेरा? जफर उल इस्लामी। मुझे इधर उधर की बात करनी नहीं आती। इसने भगोड़े जाकिर नाइक की तारीफ भी की है, भगोड़े जाकिर नाइक की तारीफ भी की है। तो ये मानसिकता दिखलाता है ऐसे लोगों की कि ऐसे लोग किस मानसिकता के हैं। इसने अरब देशों का नाम लिया, कुवैत ने इसके स्टेटमेंट का खंडन कर दिया। आप सभी सुनिएगा ध्यान से, जो स्टेटमेंट इसने दी, इसने लिखा कि कुवैत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खड़े होने के लिए, तो उसके बाद कुवैत ने इसके स्टेटमेंट का खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने खंडन कर दिया। पहले तो इसकी औकात यही नजर आ गई। अब दूसरी बात सुन, जितनी तैने ये पोस्ट डाली हुई है तेरे पेज पर देश के खिलाफ, क्योंकि जो जाकिर नाइक की तारीफ करेगा वो देश के खिलाफ ही है, जो दूसरे देशों का हवाला देकर अपने देश के लोगों को धमकी देगा वो देश के खिलाफ ही है। ये जितनी भी पोस्ट तूने डाली हुई है ना, जितनी भी पोस्ट डाली हुई है, इन सबको 24 घंटे से पहले डिलीट कर देना। कितने? 24 घंटे से पहले। जफर उल इस्लामी तेरा नाम लेके तुझे बोल रहा हूं, 24 घंटे से पहले ये सारी पोस्ट डिलीट कर देना। और भाई जितने भाई देख रहे हैं इसको शेयर कर दो ताकि आवाज पहुंच जाए आगे तक, जितने भी देख रहे हैं सारे भाई इसको आगे बढ़ा दो। 24 घंटे से पहले जफर उल इस्लामी ये सारी पोस्ट डिलीट कर देना और देश से माफी मांग लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये तो तुझे करना ही करना है, दोबारा सुन ले, 24 घंटे से पहले माफी मांग लेना, सारी पोस्ट डिलीट कर देना। बड़े ही तरीके के साथ तुझे मैं कह रहा हूं ये चीजें। तू यहां की किसी व्यवस्था की शिकायत, यहां के होम मिनिस्टर की शिकायत, प्राइम मिनिस्टर की शिकायत, किसी भी एजेंसी की शिकायत थाने में करता, कोर्ट में करता, हाई कोर्ट में करता, सुप्रीम कोर्ट में करता, ये तेरा अधिकार होता, तू आलोचना करता। लेकिन तू इतने बड़े देश की शिकायत, 130 करोड़ लोगों की शिकायत अरब देशों से करने की जो तू धमकी दे रहा है, ये तू कान खोल कर सुन ले। ये हिंदुस्तान है, ये किसी से डरता नहीं है, ये किसी से डरता नहीं है। यहां के योद्धाओं ने, यहां के सूरवीरों ने अपने अकेले दम पर जंग लड़ी है, इतिहास तेरे को भी पता है। और हम उनकी बात ही नहीं करते जिन्होंने, मैं यहां बोलना नहीं चाहता हूं खैर, कि क्या देखकर क्या बदल लिया था, ये मैं यहां बोलना नहीं चाहता हूं। माताएं बहनें लाइव पर जुड़ी हुई हैं कि तुम लोगों ने क्या देखकर क्या बदल लिया था, ठीक है ना, तेरे जैसे लोग।
लेकिन तेरे को मैं इतनी बात समझा रहा हूं, ये कान खोलकर सुन ले, ध्यान से सुन ले बात, ये सारी पोस्ट 24 घंटे से पहले डिलीट कर देना। और अब दूसरी बात देख, काम की बात सुन, सभी साथी शेयर करते रहो, मेरे भाई जितने भी जुड़े हुए हैं, कल मैं तेरे ऊपर हिंदुस्तान में कई राज्यों से FIR कराऊंगा। भाई ऐसा नहीं है कि हम कुछ जानते नहीं है, हमने पहले भी करके दिखाया है, बहुत लोगों के खिलाफ कराई है, जेल भी पहुंचा के दिखाया है, जो लोग ज्यादा बोलते थे उछल कूद करते थे, एक नहीं ना जाने कितने कितने चीज फेसबुक पर बता दी, कितनी नहीं बताई। और मैं आज इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं फेसबुक लाइव पर, कल मैं तेरे खिलाफ मुकदमे दायर कराऊंगा हिंदुस्तान के कई राज्यों में, जफर उल इस्लामी कई राज्यों में, और वो सारी कॉपियां दिखाऊंगा मैं लाके यहां कि मैंने इतने स्टेट में इतने मुकदमे दायर कराए। मैं तुझे मान जाऊंगा और तुझे सैल्यूट करूंगा अगर तू एक काम करके दिखा दे, अगर तू उन FIR के खिलाफ अरब देश में चला जाके दिखा दे। तूने कहा ना कि हम शिकायत अरब देशों में करेंगे तुम्हारी, तो मैं कल तेरे ऊपर मुकदमे कर रहा हूं। तुझे पोस्ट तो डिलीट करनी ही करनी है, तुझे पोस्ट तो डिलीट करनी ही करनी है, लेकिन फिर भी मैं तेरे ऊपर मुकदमे ठोकूंगा, कल कई राज्यों से मुकदमे तेरे ऊपर ठोकूंगा, और तुझे मैं मान जाऊंगा, तुझे मैं सैल्यूट करूंगा अगर तू उन कंप्लेन के खिलाफ अरब कंट्री में जाकर दिखा दे। वहां जाकर यह कहना अरब कंट्री में कि उपदेश राणा ने मेरे खिलाफ हिंदुस्तान में इतनी FIR कर दी, मुझे वहां की जुडिशरी पे विश्वास नहीं है, मुझे वहां के वकील नहीं चाहिए, मुझे वहां दलील नहीं चलवानी, आई वॉन्ट जस्टिस इन उन कंट्रियों के नाम ले लेना जिनका तू हवाला दे रहा है, लिस्ट बहुत लंबी है। समझ में आ गई ना बात? भाई शेयर कर देना इस आवाज को। एक भाई कह रहे हैं रमेश मैं कुवैत में हूं। भाई रमेश भाई कल ही FIR होगी इसके ऊपर, और मैं ये मेरा मैसेज को पहुंचाना, ये मेरा मैसेज पहुंचाना सभी शेयर करके। 24 घंटे से पहले तो इसको माफी मांगनी है, 24 घंटे से पहले पोस्ट डिलीट करनी है, 24 घंटे से पहले, और माफी मांगनी है देश से, क्योंकि इसने जाकिर नाइक की प्रशंसा की है, उस भगोड़े जाकिर नाइक की, और ये हिंदुस्तानियों को धमकी दी है। तुझे क्या लग रहा था कोई बोल लेगा नहीं? तुझे क्या लग रहा था कोई बोल लेगा नहीं, कोई कहेगा नहीं? हमें यही काम है। और सीना ठोक के कहते हैं हमें सपोर्ट है अपने लोगों का, तेरे जैसे लोगों का इलाज करने के लिए। तू देश की बुराई करेगा, धमकी देगा, तू अरब कंट्रियों की धमकी देगा, हिंदुस्तान की तुझे पता है सीमा कहां से कहां तक थी, तक्षशिला कहां था, कहां तक थे, और आज भी किसी से नहीं डरते हम, किसी से, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो USA हो, चाहे वो अरब खाड़ी के देश हो, कोई हो, अपने दम पर जीते हैं, अपने स्वाभिमान से। समझ में आ गई बात? ये गलती मत करना आगे से धमकी देने की, ये गलती मत करना। और मैं तुझे बार बार ये कह रहा हूं, 24 घंटे से पहले ये हटा लेना सब पोस्ट, सारी की सारी पोस्ट हटा लेना, और फिर भी मैं तेरे ऊपर कल मुकदमे करूंगा और अपने फेसबुक पर लाकर दिखाऊंगा कि मैंने इतने राज्य से इस पर मुकदमे कराए हैं। तो तू अरब कंट्री जाना, मैं तुझे मान जाऊंगा, तू अरब कंट्री जाना जितने तेरे कंट्री हैं, कि भाई मैं शिकायत करने आया हूं, मेरे खिलाफ हर स्टेट में हिंदुस्तान में FIR हो गई है, मुझे वहां न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। क्योंकि तू यही तो कह रहा है, तू अपनी पोस्टों में यही तो कह रहा है कि हम पर अत्याचार हो रहा है, हम वहां शिकायत करेंगे। तो मैं कल तेरे ऊपर FIR करा रहा हूं, कल मैं तेरे ऊपर FIR करा रहा हूं हिंदुस्तान के हर स्टेट में, और तू एक की भी सुनवाई, जफर उल इस्लामी तू एक की भी सुनवाई अरब कंट्री में दिखा देना करवाकर, एक भी लॉयर वहां से ले लेना, वहां सुनवाई जुडिशरी प्लेस वहां करवा के दिखा देना जिन हमको तो अरब कंट्री की धमकी दे रहा है, और ये बोलना कि उपदेश राणा ने मुकदमा करा दिया, अब मुझे सुनवाई यहां करनी है क्योंकि हिंदुस्तान में तो मुझे डर लगता है, वहां का तो कानून सही नहीं है, वहां का तो संविधान सही नहीं है, इसलिए मैंने पोस्ट की थी और इसलिए मुझ पर मुकदमे हो गए, और मेरी सुनवाई यहां करो दिखाना, और करवाऊंगा कल मुकदमे, सुन लेना कान खोल के, कल मुकदमे करवाऊंगा, पूरी टीम है हर स्टेट में, देश के खिलाफ किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को भी, और लाइव आऊंगा, दिखाऊंगा FIR कॉपी नंबर सहित कि ये मुकदमे कराए,
और तेरे मैसेंजर में मैंने भी मैसेज दिया है। तू धमकी समझ या चेतावनी समझ या कुछ भी समझ, तेरे मैसेंजर में तुझे भी मैंने मैसेज किया है कि सारी पोस्ट जो देश को तोड़ने वाली है इनको डिलीट कर देना, मैसेज किया है देख लेना, और नहीं तो तेरे शुभचिंतक इस लाइव को पहुंचाई देंगे, तेरे शुभचिंतक इस लाइव को तेरे पास पहुंचाई देंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन तेरे ऊपर कल मुकदमे होना कंपलसरी है, माफी तो तुझे मांगनी है, पोस्ट भी तुझे डिलीट करनी है। कर या ना कर, अगर सोचा तू मैं अपनी पोस्ट डिलीट कर दूंगा मेरे ऊपर फिर मुकदमे नहीं होंगे, मैंने हर जगह बात कर ली, हर स्टेट में कि उसमें जो कंटेंट है उसके खिलाफ क्या क्या हो सकता है, पता है ना, इतना हमें भी पता है। हर तरह की लॉबी है अपने पास, चाहे वो लॉयर हो चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट वाले हो, हर तरह की लॉबी हमारे पास है कि उसमें कंटेंट में क्या क्या हो सकता है। किसी भगोड़े की तारीफ करना, भगोड़ा कौन, जाकिर नाइक। अबे इतना तुम्हारे में गुर्दा है जफरुल इस्लामी, और तेरे उसमें इतना बड़ा गुर्दा है तो क्यों भागता फिरता है, यहां रहता ना, क्यों दौड़ जाते हो यहां से, यहां रहता। बात करते हैं अरब देशों से, कार्रवाई कराएंगे। कोई बोलना नहीं सोचा है कि कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा। जिंदा है, समझ में आ गई तेरी बात। हमें फालतू बकवास करने की आदत नहीं है, उतना ही काम करते हैं जितना अपन कर सकते हैं, उतना ही बोलते हैं। और इसीलिए मैंने इसको आप सभी को लाइव पर आकर बता दिया, 5000 लोग देख रहे हैं, एक बार और शेयर कर दें, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना। 5000 साथी लाइव पर जुड़े हुए हैं, इसको एक एक शेयर और कर दो, 5000 साथी जितने भी देख रहे हैं दोबारा एक एक शेयर और कर दो, मुझे मेरी बात पहुंचानी है इन तमाम ऐसे लोगों तक जो ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उन तक ये बात पहुंचानी है। इसलिए सभी को मैं कहना चाहता हूं कि सभी इसको एक एक बार शेयर और कर दें, जितने साथी देख रहे हैं सभी आगे बढ़ा दें, जितने भी ग्रुप सभी के पास हैं एक एक शेयर और करें आगे। मैंने साफ संदेश दिया है इस लाइव में, जो सुन चुके हैं जो नहीं सुने वो दोबारा सुन लें। जफर उल इस्लामी ने एक कंटेंट अपने फेसबुक पर पोस्ट किया, एक पोस्ट, उसमें जाकिर नाइक की इसने प्रशंसा की है और यह बोला है कि भाई अगर हम अरब देशों से शिकायत कर दें, तो सैलाब आ जाएगा। तो भाई अब सैलाब ही देखना है। तेरे ऊपर कल मुकदमे कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल बता रहा हूं मैं, उपदेश राणा, तेरे ऊपर कल कई स्टेट में मुकदमे दर्ज करा रहा हूं। तो उन मुकदमों को लेकर उन अरब कंट्री वालों के पास जाना, उनको बोलना फोन करके कि मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो गए, अब मुझे यहां वकील दो और मुझे जुडिशरी पैलेस भी यही दिखाओ, मुझे वहां की कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि तू यही कहना चाहता है। तू वहां करके दिखाना, सुनवाई वहां करके दिखाना, पुलिस का भी लिख देना कि यहां पुलिस भी मेरा साथ नहीं देगी, पुलिस भी मुझे बाहर की दो, ये भी लिख देना। अब देखते हैं तुझे वहां की पुलिस मिलती है, वहां के वकील मिलते हैं, वहां की दलील मिलती है, वहां का तुझे क्या क्या मिलता है। तेरी FIR भी हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हिंदुस्तान की पुलिस करेगी, उसको डिफेंड भी हिंदुस्तान के लॉयर करेंगे, तेरे अगेंस्ट जो लड़ेंगे वो भी हिंदुस्तान के लॉयर होंगे, ठीक है ना। तेरा जो जजमेंट आएगा वो भी हिंदुस्तान के जज का आएगा। समझ में आ गई ना बात, समझ गया ना बात, सब कुछ यही होना है। और ये तेरे को भी पता है कि होना सब कुछ यही है, बाहर कुछ नहीं है, लेकिन ये मेंटेलिटी है, जुनून, मतलब पागलपन कि कैसे करें, क्या करें, पागल हो गए लोग। छोटी बात कही है इसने, 5000 साथी देख रहे हैं, बताओ कोई छोटी बात कही है कि अरब देशों का धमकी दे रहा है अपने को, जिस देश की आबादी 130 करोड़ है, तेरे जैसे लोगों की गिनती नहीं कर रहा हूं। आज एक बॉलीवुड का हीरो एक्सपायर हुआ है, चेक कर लेना कितने लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। फर्क, ये हिंदुस्तान है, ये प्यारा हिंदुस्तान है, तेरे जैसे लोगों ने बिगाड़ा है।
ये बात सोचने की है, ये समझने की है कि जो व्यक्ति एक संस्था का चेयरमैन होते हुए इतनी बड़ी बात बोल सकता है कि अरब देशों की धमकी दे सकता है कि सैलाब आ जाएगा और हमने वहां शिकायत कर दी, तो इनकी मेंटेलिटी कैसी होगी, कैसी इनकी मेंटेलिटी होगी, और ये अपने से जुड़े लोगों को क्या सिखा रहे होंगे, क्या दिखा रहे होंगे, क्या बता रहे होंगे। और जो इसकी आलोचना करते हैं इन लोगों, इस जैसे लोगों की, उनका हम कभी विरोध नहीं करते। और जो इसका साथ देते हैं, इन लोगों का भी साथ देते हैं कि नहीं जफरुल इस्लामी ने सही कहा, उनका विरोध है। और इसलिए मैंने लाइव बनाया है आकर कि इस पर मैं कल मुकदमे करवा रहा हूं, और इसे मैं ये कह रहा हूं कि तू खरब अरब देशों में जाना, जितने भी तेरे देश हैं अरब देशों में जाना और लेकर जाना FIR, फोन पर संपर्क करना, शिकायत करना कि मुझे न्याय वहां दो, मुझे पुलिस भी अरब देशों की दो, मेरी जुडिशरी भी उधर ही दो, जज भी मुझे वहीं के दो, सब कुछ मुझे वहीं का दो, मेरे से पूछताछ भी वहीं हो, हिंदुस्तान में मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि तू यही बोलना चाह रहा है। और मैं देखता हूं तुझे कौन सा कंट्री तेरा इसमें साथ देता है। बस बात तो यही है ना कि इन सबको पता है। और फिर मैं ये बोल रहा हूं, कुवैत ने इसका खंडन कर दिया, जो ये प्रोपोगंडा था कुवैत ने इसका खंडन कर दिया, साफ मना कर दिया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात अरब देशों की, तो यह भी सुन ले, एक अकेला इजराइल है, अकेला इजराइल सबको मुर्गा बना के रखता है, जो दूसरी विचारधारा के हैं, और ये पता है, सभी को पता है ये भी। यहां लिमिट में रह गए, ज्यादा श्यान पत्ती नहीं। और भाई फिर मैं यही बता के खत्म कर रहा हूं लाइव कि इसके खिलाफ कल शिकायत दर्ज होंगी जफरुल इस्लामी के खिलाफ, इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी हिंदुस्तान के राज्यों के अंदर। और मैं फिर इस पर मैसेज पहुंचाऊंगा, आप सभी पहुंचाएंगे कि अब इन FIR को लेके अरब कंट्री में जा, वहां से न्याय ले, वहां से वकील कर इनके खिलाफ, हम तुझे मान जाएंगे, तुझे सैल्यूट करेंगे। पागल समझ के रखा है, मतलब ऐरा गेरा कोई भी आगे धमकी दे देगा, अरब कंट्रियों की धमकी दे रहा, खुल ले हम जाकिर नाइक की तारीफ कर रहे हैं और हम सुनते रहेंगे। और ये मैं सोच रहा फिर बोल रहा हूं कि खाली लाइव बनाया है, खाली लाइव नहीं बनता कभी, FIR होंगी कल, और कॉपी में लाइव आगे ही दिखाऊंगा कि इतनी FIR हुई है, और तेरे मैसेंजर में ही भेजूंगा, तेरे मेरे ऑफिस से चले जाएंगे तेरे मैसेंजर में, मैंने तुझे मैसेज भी करवाया है। और फिर उन FIR को लेकर दौड़ते हुए फिरना कि मुझे न्याय दो। एक भाई बोल रहे हैं कि उसके बल पर वो खोलने वाले, भाई मेरे लाइव पर माताएं बहनें रहती हैं, मैं ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकता है, बाकी सच्चाई क्या है आप सभी को पता ही है, तो मेरे संस्कार, मेरा धर्म मुझे शिक्षा नहीं देता है कि किसी के भी बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग मैं करूं, और ऐसा मैं नहीं करता हूं। बाकी सच्चाई सभी को पता है कि ये क्या थे, क्या नहीं थे, और क्या होंगे भी, है भी नहीं कुछ, ये इस देश को तोड़ने का काम करते हैं और कुछ नहीं। आप सभी अपना ध्यान रखें, सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। उद्देश्य राणा की तरफ से।